लेवल क्रॉस Hey guys, what's up? I'm Kajal and welcome back to my channel. By now, आप सबको तो इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि ये सरप्राइज प्रपोजल था. मुझे कुछ आइडिया नहीं था ऐसे कुछ होने वाला है, तो आई वॉजन ब्लॉगिंग बट माई सिस्टर वॉज ब्लॉगिंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ मी. तो आगे का ब्लॉग आप इंजॉय कीजिए. ओके, तो मैं धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि ये एक सरप्राइज है दीदी के लिए, तो वो बाहर है तो वो ना सुन ले, इसलिए मैं धीरे बात कर रही हूँ. बाय द वे गाइस, वी आर प्लानिंग अ प्रपोजल, वी मतलब विक्की, लेकिन मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं थोड़ी तैयारी करने. आई एम वेरी एक्साइटेड. तो चलो, अब वो आने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं और फिर मैं ब्लॉक करती हूँ. बाय. हाय गाइस, तो लास्ट क्लिप को शूट होके हो गया है 2 दिन. एक्चुअली आई कुडंट शूट प्रॉपरली एनी बिहाइंड द सीन्स क्योंकि वो इतना सब क्विक हो रहा था कि टाइम नहीं मिला. बाय द वे, टुडे इज़ 7th of November एंड टुमारो इज़ द डे, प्रपोजल डे, एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बट द प्रॉब्लम वॉज कि हम दीदी को सरप्राइज़ कैसे दें, कि हम क्या करें जो उसे पता ना चले या फिर डाउट ना आए. सो आज हमने बहुत अच्छा प्लान सोचा बिकॉज वी हैव टू यू नो गेट हर रेडी, लाइक प्रपोजल रेडी. ऐसे ही लेके नहीं जा सकते, एंड गेटिंग हर रेडी इज़ लाइक अ टास्क बिकॉज शी इज़ गोइंग टू क्वेश्चन. इसलिए हम लोग ने, मैंने और आशावरी ने मिलकर बहुत अच्छा प्लान बनाया एंड वी आर सक्सेसफुल, आई होप सो. तो वेट, आई जस्ट शो यू व्हाट वी गॉट फॉर हर. सो वी गॉट हर दिस वेरी प्रिटी सैटिन ड्रेस एंड आई गेस ही लाइक्ड इट, बट उसे नहीं पता कि ये किस लिए है. हमने उसे बताया कि ये गिफ्ट है आशावरी की तरफ से एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज एंड फनी. उसने इस पे विश्वास कर लिया है तो गुड गुड गुड. तो अभी जाने दो, तो अब मिलेंगे कल जो है मेन प्लान. ओके, तो कल मिलते हैं, बाय. हाय, तो मैं हूँ भाविका और आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर. तो आज हम जा रहे हैं गर्ल्स डेट पे एंड मेरे साथ है आशावरी और दीदी, काजल दीदी. तो अभी मैं तो रेडी हो गई हूँ, मुझे सिर्फ आउटफिट पहनना है और काजल दीदी अभी रेडी हो रही है. ओ देखो आंटी. ओके, सो क्विक अपडेट, आज सनसेट ही नहीं हुआ क्योंकि आज बहुत क्लाउडी वेदर था और कहीं कहीं जगह पे बारिश भी गिर रही है. तो हमने प्लान कैंसिल करके हमने सोचा कि अभी ऐसे इवनिंग नाइट टाइम वाला प्रपोजल करें, एंड इतना केओस चल रहा है. ओ माय गॉड, मेरे तो दिल की धड़कन धुर धुर हो रही है. लेकिन अभी हम लोग निकलने वाले हैं और ये मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा टफ है, लेकिन कोई नहीं, आए होप उसको अच्छा लगे. तो चलो. हेलो भाविका, यू लुकिंग वेरी प्रिटी, बट समवन इज लुकिंग मोर प्रिटियर देन मी एंड दैट इज मी. मैं देख रही हूँ अपने आप को. ये ड्रेस मुझे आशावरी ने गिफ्ट किया है और मेरे को बहुत गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि उसने मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ दिया है और ये वेरी एक्सपेंसिव ड्रेस है और मैंने उसको कभी अभी तक कुछ नहीं दिया है. और मैंने सोचा था कि मैं सुबह जाके उसके लिए ले लूँगी और आज दे दूँगी क्योंकि आज है गर्ल्स डेट, बट मेरे को बहुत बोर हो रहा था तो मैं नहीं ली, बट मैं उसके लिए बाद में ले लूँगी. अभी पार्टी जो है वो कौन देने वाला आपको समझ गया होगा. ये मुझे एक तो कोरियन प्लेस जाने का बाय द वे आज उल्टा हुआ है, हमेशा मैं इनको लेके आई हूँ, चलो ना प्लीज आज छुट्टी लो ना तुम्हारा और फटाफट जल्दी आओ जॉब से, और इन दोनों को मैं लेके जाती हूँ. और आज ये लोग, आज मेरा मूड नहीं और ये लोग मुझे चलना इनके लिए मैं जा रही हूँ क्योंकि हम लोग को डिस्काउंट मिल रहा है. हम लोग वो छोड़े कैसे. हम लोग को मिल रहा है डिस्काउंट, तो इसलिए हम लोग बोले कि चलो चलो जल्दी से जाके आ जाते हैं. ज्यादा ओवर ड्रेसअप होके नहीं जा रही, जैसे कि पता नहीं कौन से फाइव स्टार में जा रहे हैं. लेकिन अभी हम लोग ने डिसाइड किया था ना ड्रेसअप होना है, तो फिर हो गए हम लोग ड्रेसअप. नाइस. चलो अभी मिलते. वो आशावरी उधर पहुंच गई है, बेचारी रुकी रहेगी, हम लोग भी अभी जल्दी से जाते हैं. और ये दिवाली फेस्टिवल के सारे लाइट्स लग रही हूँ ना मैं, इधर लग रही हूँ ना मैं पटाखा. ये हम लोग का लैंग्वेज है गाइस. नो ओके बा.
प्रॉब्लम्स आए, सब कुछ आया, बट वी मेड इट एंड थैंक यू जो हमेशा मेरे साथ थी। मेन क्वेश्चन तो पूछ। नहीं नहीं अभी हो गया है ना, एक ही बार रोना था, अभी हो गया, अभी अभी इन लोगों को सताना है, अभी रोना बिना नहीं, इनको रुलाना है अभी। चलो लेवल क्रॉस। चलो तो अभी तैयारी शुरू कर दे, कर दो शुरू कर दो। चलो डंडा बजा दो। ओके, वी हैव कम टू अनदर लोकेशन नाउ आफ्टर वो सब वो जो हम पे सेलिब्रेशन हो गया। एंड यहाँ पे हम लोग आए और हम लोग नॉर्मल टेबल पे बैठे थे। चुप ना। एंड मिकी वाज लाइक, वहाँ पे क्यों बैठे हो तुम लोग के लिए मैंने यहाँ पे भी डेकोरेशन कराया है, तुम लोग यहाँ बैठो। सो स्वीट ऑफ हिम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीबडी, सब लोग ने टाइम निकाला और मेरे लिए आए पुणे से, केरला से, अपने अपने घर से, ऑफिस से। थैंक यू सो मच। एंड मैं अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ जो भी अभी हुआ, मतलब आई एम स्टिल लाइक कि अरे सच्ची में हुआ या ऐसे कुछ ड्रीम था, क्योंकि मेरे को पता है विकी उतना एक्सप्रेसिव नहीं है और स्पेशली सरप्राइजेस के मामले में वो हमेशा हकता है, मुझे पता है। बट दिस टाइम ही वॉज 110% सक्सेसफुल। मुझे 2% भी डाउट नहीं आया कि ऐसे कुछ वो प्लान कर रहा है। इनफैक्ट मैं सोची थी कब करेगा, बिकॉज तुम सबको तो पता है और अब तुम लोग को भी पता चल गया है कि हम लोग सून एंगेज होने वाले हैं। वो एकदम ऑफिशियल नहीं, बट वो रीति रिवाज फैमिली के साथ वाला, तो ऐसा देखा है तो ये इसका कुछ होना नहीं चाहिए। बट 9 years इन रिलेशनशिप, एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, बट आई स्टिल गॉट दोस बटरफ्लाई। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील लाइक जैसे हम रोज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच विक्की। ताली बजाओ यार विक्की के लिए। और मैं को उनकी गाड़ी में बोल रहा था कि मैंने कुछ कम किया, कुछ गलत किया, तो ऐसे कुछ नहीं था, तूने बहुत कुछ किया और ऐसे एक्सपेक्टेड भी नहीं था। थैंक यू सो मच। एक मिनट फोकस करने दे, रो रही है। पहले कैमरा चालू है या नहीं पहले वो देख ले, क्योंकि राज हमेशा ऐसे दिखाता है। इधर आंसू दिखा, आंसू नहीं, मैंने Hi guys, I am home now and by now you all know that I am 1 minute engaged. Oh god, it feels so good to say this that yes, I am engaged now. And hamari engagement ki date वैसे तो एक दो महीने पहले से फिक्स हो चुकी है और यही वो वन ऑफ द धमाका था जो मैं आपको बताने वाली थी कि थोड़ा टाइम में बताऊँगी। एंड ये प्रपोजल एंड ऑल आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बट इतना टाइम हो गया तो फिर आई लेफ्ट द एक्सपेक्टेशन। और ओह गॉड, मेरा दिल बुरा
इट्स फुल नाउ मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है एंड आई फील सो स्पेशल एंड आई एम सेइंग दिस अगेन सो मेनी ईयर्स आई एम विद हिम बट आई स्टिल गेट दोज बटरफ्लाइज. ये जो आज मैंने यस बोला वो कुछ और ही था. आई मीन आई एम स्पीचलेस राइट नाउ एंड मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो भी सब आए. आशिमा भी आई थी थोड़े टाइम के लिए. थैंक यू सो मच आशिमा. आशिमा की मम्मी यहाँ पे आई है तो इसलिए थोड़े टाइम के लिए थी. शायद मेरे वीडियोस में वो नहीं आई हैं. एंड थैंक्स टू एवरीबडी एंड वेरी बिग थैंक्स टू भाविका एंड आसावरी. मुझे विक्की ने अभी इन शॉर्ट में बताया कि व्हाट ऑल मेहनत एंड जुगाड़ वो लोग ने किए हैं और आई जस्ट फील सो हैप्पी. आप सबको भी थैंक यू कि आप लोगों ने भी मेरी और विक्की को जोड़ी को इतना पसंद किया है. आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ. थैंक यू सो मच. मैं अभी ये व्लॉग यही एंड कर रही हूँ. अब आपको आगे और भी बहुत मस्त मस्त चीज़ें देखने मिलने वाली है एंड यू गाइस कीप मैसेजिंग मी कि मेरी विक्की कब शादी हो रही है शादी का तो आई डोंट नो फिलहाल ऑनेस्टली. बट एंगेजमेंट ये वाली तो हो गई है. फॉरेन ट्रेडिशनल वाली एंगेजमेंट तो हो चुकी है. बट अब ये जो हमारी हिंदू संस्कृति की जो साकरपुड़ा होगा वो भी सून होने वाला है. सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड आई लव यू ऑल. बाय. Hey.